तंत्र साधनाओं में ऐसी बहुत सारी शक्तियां हैं जो तंत्र काट की महारथी मानी जाती हैं। उन्हीं शक्तियों में माँ आशुमेहतरानी हैं, जो कैसा भी तंत्र हो, शमशानी हो, गंदा से गंदा तंत्र हो, उसको काटने में वो सक्षम होती हैं। सभी साधक साधिकाओं को जय श्री माता रानी, जय मयूर मजा, जय श्री माता रानी। हमारे बीच में शर्मा जी हैं, अनिल जी, जो माँ आशुमेहतरानी की, इन्होंने यहाँ 11 दिवसीय अप्रत्यक्ष साधना की और उन साधनाओं के माध्यम से ये अपने आध्यात्मिक जीवन को और जो भी ये दरबार से संबंधित कार्य होते हैं, चाहे किसी के बारे में बताना हो, किसी चीज़ को ठीक करना हो, वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो इन्होंने जो भी साधनाएं की, आप इनके स्वयं मुख से सुनिए कि उन साधनाओं का क्या अनुभूतियाँ रही, कि साधनाएं कैसे सफल हुई, कितना इनको मेहनत करना पड़ा। और ये योग माया दरबार में जो व्यक्ति आता है वह कहीं गलत जगह तो नहीं आ जाता, तो इन सारी चीज़ों के विषय में आप शर्मा जी से स्वयं सुनेंगे, जो एक कर्मकांडी ब्राह्मण हैं और इन्होंने बहुत तपस्याएं अपने जीवन में कर रखी हैं। और इन्होंने तंत्र क्षेत्र में जब रुचि हुई, काफ़ी लंबे समय से इनको इंतजार था जो है साधनाओं का, और ये एक बार यहाँ आए और सब चीज़ों को समझा जाने और फिर गए और दोबारा यहाँ पर आए और फिर साधना की। क्यों शर्मा जी? जी जी गुरुदेव, हमारे साधकों को आप बताइए साधनाओं के विषय। सबसे पहले तो मैं सभी साधक साधिकाओं से कहना चाहूँगा कि जय माता रानी। और दूसरे में मैं कहना चाहूँगा अपने गुरुदेव का, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा है कि गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः, कि ऐसे सद्गुरु हमको मिले जिन्होंने हमारे आध्यात्मिक कर्म में कदम रखाया और हमारी साधना को संपूर्ण कराया। ऐसे गुरु को हम बारंबार निवेदन करते हैं जिन्होंने हमको इस आध्यात्म क्षेत्र से जोड़ा और उसमें परिपूर्ण ज्ञान दिया और अपने सन्मार्ग में रख करके और हमको सिखाया। तो आपको यहाँ कितनी मेहनत करनी पड़ी शर्मा जी? गुरुदेव, मेहनत तो यहाँ पूरे दिन में समथिंग हमारा 8 घंटे का जाप का समय लग जाता था और बाकी तो जी जी। तो आप दो साधक एक साथ साधना स्टार्ट किए थे? जी गुरुदेव। जी जी, आपका प्रैक्टिकल करा दिया गया? जी गुरुदेव, आज प्रैक्टिकल हो गया। संतुष्ट हैं आप प्रैक्टिकल से? संतुष्ट हैं। आपको कैसे लगा कि आप सही जवाब दे रहे हैं, क्योंकि जवाब तो भाई कुछ भी आ सकता है? जब गुरुदेव ने हमसे प्रश्नों पूछे और हमारे मन में उनके विचार आए, फिर उनको गुरुदेव ने सेटिस्फाई किया, तो गुरुदेव ने ऑलरेडी उन प्रश्नों के जवाब दे रखे थे जिनको हमसे पूछा गया था। तो हम अपने उस साधना में ऐसे हमने माना कि जो गुरुदेव ने जवाब दे रखा है वही हमारे मन में आ रहा है, तो एज ए वो सही है, इस तरीके से हमारा। जी बिल्कुल, क्योंकि जो भी उत्तर होते हैं उनकी सटीकता ज़रूरी है। जी, तो यहाँ पे जो योग माया दरबार संस्था है, इसमें किसी प्रकार का साधनाओं से संबंधित फ्रॉड तो नहीं होता? नहीं गुरुदेव, कोई फ्रॉड नहीं है। और मैं तो सभी साधक साधिकाओं से कहना चाहूँगा कि जो भी इस आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम रखना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, ज्ञान मार्ग लेना चाह रहे हैं, वो योग माया दरबार में आएँ और गुरु जी से एक बार बात करें और उनके सानिध्य में आकर के और इस सभी कर्मों को सीखें और अपने आध्यात्म क्षेत्र को बढ़ावा दें। तो शर्मा जी, सानिध्य साधना में और ऑनलाइन में क्या अंतर समझ आता है आपको? सानिध्य साधना के अंदर गुरुदेव ये होता है कि हम गुरु के सानिध्य में हैं और गुरु के सानिध्य में रह करके जो हम साधनाएं करते हैं तो हमें कोई किसी तरीके का डर भय नहीं होता, ना आर्थिक होता है, ना मानसिक होता है, ना कोई तनाव होता है, क्योंकि हम अपने तरीके से, एक जैसे हम घर में रहते हैं उसी तरीके से हम गुरु के सानिध्य में रह करके इस सारे कार्यों को कर सकते हैं। तो इसलिए हमें कोई डर भी नहीं होता। घर हो सकता है कि हमें थोड़ा बहुत भय लगे, डर लगे, और गुरु जी उस समय मान लो फ़ोन वोन नहीं उठा पाएँ तो थोड़ा दिक्कत महसूस होता है, इसलिए गुरु के सानिध्य में करना ज़्यादा बेहतर होता है। जी बिल्कुल, यहाँ पे हर प्रकार से आप सुरक्षित रहते हैं साधनाओं में, हर प्रकार से शक्तियों के बंधन में रहते हैं। ऑनलाइन भी हम कोशिश करते हैं सभी को कि किसी प्रकार की दिक्कत किसी को ना हो, और नहीं भी होती, लेकिन यहाँ पे हर प्रकार से शक्तियाँ आपके सहयोग में रहती हैं और पूर्ण रूप से आपकी साधना हो जाती है प्रैक्टिकल करवा के, और प्रैक्टिकल विद प्रूफ के साथ हम करवाते हैं। कोई ये नहीं कि आप कुछ भी मन में आए आप जवाब दे दिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। विद प्रूफ के साथ प्रैक्टिकल होता है, उसके बाद आपको जब सेटिस्फेक्शन हो जाता है तब आपको भेजा जाता है। और सदैव के लिए जुड़ाव होता है, ये नहीं कि आपका साधना करके गए तो
आपका फ़ोन नहीं उठेगा या आपसे बात नहीं होगी, ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। घर पे भी जाने के बाद मेहनत आप करेंगे तो बहुत आगे तक पहुँच सकते हैं। ये यहाँ पे जो आपको मिलेगा पूरा बेसिक मिल जाएगा, आपको बेस मजबूत हो जाएगा। और आप अब उन्नति करना चाहते हैं, उड़ान भरना चाहते हैं, तो आप थोड़ा मेहनत कर लीजिए, बड़ा से बड़ा दरबार लगाइए, बड़ा सा बड़ा तंत्र काट करिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। जय श्री माता रानी, जय भाई हो माया।